जिनके मैंने हुसन के काफी चर्चे सुन रखे हैं। किससे? चांद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन हो आप दोनों और यहाँ हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? वो जी जी वो ये जमीन हमने ली है जी, वो मस्ताजरी पे ली है जी। क्या मस्ताजरी? मस्ताजरी उधार को कहते हैं आजाद बाबू। ओ आई सी। और ये कौन है? ये जी वो ये मेरी 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 बहन है सितारा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वही सितारा हैं जिनके मैंने हुसन के काफी चर्चे सुन रखे हैं। किससे? चांद से। वो अक्सर मुझसे यही कहता था कि तुम्हारे गांव में एक सितारा है जिसके आगे मेरा हुस्न मांद है। I'm sorry, आप लोग प्लीज कैरी ऑन। मेरा मतलब है जो कुछ भी कर रहे थे प्लीज कीजिए आप। चले बख्शु बाबा प्लीज। अल्लाह हाफिज। यार क्या बंदा है, कितनी आजादी से सब कुछ कह गया। आजाद जो है बस कर जा, आजाद जो है चल यहाँ से। अगर आ गया ना दोबारा और किसी को पता चल गया तो हमारी आजादी खत्म हो जाएगी इस आजाद के चक्कर में। चल। सलाम छोटे सरदार। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नाम मुझे आपको बताया तो था मैंने कल। कल मैंने तुम्हारे नहीं इनका नाम पूछा था। इसका नाम फातिमा है। फातिमा। फातिमा आज मैं सितारा से मिलने आया हूँ। क्यों जी? फातिमा तू चल चारा काट और मैं ट्यूबवेल चला के आता हूँ, चल। नहीं जी मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। अरे अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो, इसे कुछ नहीं होगा, यकीन रखो भरोसा रखो। जा फाती, जा ना। आ, 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 आ मेरा बच्चा। आ फातिमा बेटा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सितारा वो मुझे यकीन था कि इस कायनात में कोई मेरे लिए जरूर बना है। मेरे ख्यालों ने जो चेहरा तराशा था तुम्हारा चेहरा वही है। तुम्हारे हुसन की सादगी ने लूट लिया मुझे। तुम बाकी बाकी तुम कोई अप्सरा या फिर आसमान से उतरा हुआ कोई रोशन सितारा। हाँ आज मेरी तलाश मुकम्मल हुई। मेरी बात रह गई थी सितारा, आगे भी कुछ कहना था मैंने। चलो फिर कभी सही। सलाम बाबा जानी। वालेकुम सलाम। रात कहाँ गायब हो गए तुम? वो शिकार की तलाश में निकले थे, बस देर हो गई थोड़ी। आजाद पूछ रहा था बार बार तेरा। हाँ वो मुझे बख्शू बाबा ने बताया कि वो पूछ रहा था है कहाँ। वो बख्शू के साथ गया खेतों में,
वॉक के लिए अभी आ रहा है। आए तो उसे कह देना कि मैं नाश्ते पे उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आता है तो भेजता हूँ तेरे पास। वो जरा खान कहाँ है, उठ गया? पता नहीं बाबा जी, मैं देखता हूँ। मुझे क्या कहता है वो? कुछ नहीं। बता मुझे क्या कहा है उसने तुझे? कह रहा था कि तुम कोई अप्सरा हो या आसमान से उतरी कोई परी, तुमसे तो चांद भी रोशनी मांगता है। फाती, मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ? तूने क्या कहा उसे? कुछ नहीं, मैंने जवाब ही नहीं दिया। कान खोल के सुन अब मेरी बात। वो जो भी तुझसे कहता है ना, तूने चुप रह जाना है, कुछ नहीं कहना उसे, ठीक है? क्यों? तू पूछ रही थी ना मुझसे कि तू कितनी खूबसूरत है। मैं तेरी वजह से सोच लिया है मैंने, अब मैं तुझे अपने साथ नहीं लेकर आऊंगी। अभी तो मैंने उससे कुछ कहना है। क्या कहना है, क्या कहना है तूने, मुझे बता पहले। यही कि मुझे उससे प्यार हो गया। देख सितारा, तू ऐसा कुछ नहीं कहेगी। लेकिन कोई वजह? ये जो जागीरदार लोग होते हैं ना, ये हम जैसी मासूम भोली भाली लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। तुझे भी इस्तेमाल करेगा और छोड़ देगा फिर, समझ मेरी बात। फाती, आजाद के लफ्जों में सच्चाई है। ये शहर पढ़ने ही इसलिए जाते हैं ताकि पढ़ लिख के लफ्जों का हेर फेर कर सके और फिर उन्हीं लफ्जों से हम पे हुकूमत करें। लेकिन फाती, तू तो कहती है कि, लेकिन खैर, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। चल, चारा उठाए और घर चले। तू दे तेरा दिल बात करती है, बांध तो इसे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम बड़े सरदार। वालेकुम सलाम। आ गए पुत्र, वो नाश्ते की टेबल पे चले जाना, इंतजार कर रहे हैं वो शहजाद और उसका दोस्त तुम्हारा। चलें, अभी चलें साथ। मैं तो नाश्ते ही छोड़ दिया बेटा। अरे क्यों? बस सारा दिन फारिग होता हूँ, एक लस्सी का गिलास पिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल। जा फ्रेश होके फिर उधर नाश्ते की टेबल पे चले जाना। चल ठीक है, ठीक है बख्शो। पहचान, आपने आने की तकलीफ क्यों की? अच्छे बुला लिया तो। सर खैर है, खैर है। तू क्यों घबरा गया? बैठ बैठ जा। पुत्र, ये जो तूने पेपर शेपर दिए हैं, इसके बाद तेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी। जी बजा। ये इलेक्शन कमेटी वालों ने पेपर की शर्त रख दी है। कौन सी शर्त? पुत्र, वही जो ग्रेजुएट नहीं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पता नहीं क्या हो गया इन इलेक्शन वालों को, और जो सियासत की अलफ पे नहीं जानते, कहते उनको उनको इलेक्शन लड़ाओ। समझते हैं कि हमने सारी हयाती चक मारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाजान, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो इस मुल्क की हालत बदलेगी। पढ़े लिखे लोगों को कोई वोट नहीं देता। पिछली बार तूने डॉक्टर का हाल नहीं देखा था? हार गया था सरदार सिकंदर से, इस बार मिनिस्टर साहब भी परेशान है। अब उतर, ये तो अच्छा हुआ तूने ग्रेजुएशन कर लिए। क्या अच्छा हुआ अब्बा जान? अब मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि इस बार मेरे बेटे को टिकट दो, तू इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन अब्बा जान, मैं आके पढ़ना चाहता हूँ। बस बस, पढ़ लिया तूने। जितनी मुझे जरूरत थी उतना तूने पढ़ लिया है। मैं सियासत में नहीं आना चाहता अब्बा जान।
क्यों नहीं आना चाहता? बस बस ऐसे ही। और तू क्या चाहता है? तू चाहता है कि इस बार सरदार सिकंदर फिर इलेक्शन जीत जाए, और तू इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो मिनिस्टर साहब फिर उसी डॉक्टर को खड़ा कर देंगे। ओए पुत्र, हम थोड़े दिनों में इलेक्शन कैंपेन शुरू करने वाले हैं और तू हमारे साथ होगा।